हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एमए पॉलिटिकल साइंस एडमिशन प्रोसीजर 2020 के बारे में। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तीन अफिलिएटेड इंस्टीट्यूट हैं, एक तो रेगुलर कॉलेजेस हैं और एक आपका SOL है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, और आपका है नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड। जो लास्ट वाला मैंने आपको बताया वो सिर्फ दिल्ली की वुमेन्स के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर SOL और DU रेगुलर अक्रॉस इंडिया सभी के लिए ओपन हैं, ठीक है। ये दोनों इंस्टीट्यूट DU रेगुलर से ही अफिलिएटेड हैं। तो यहाँ पर दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं एडमिशन की। दोस्तों, साल 2019 से DU का जो एडमिशन टेस्ट है वो NTA कंडक्ट करवा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अगस्त के मंथ में एक नोटिस रिलीज़ किया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि हम 2020 में किन किन यूनिवर्सिटीज़ का, किन किन नेशनल लेवल टेस्ट का एग्ज़ाम कब करवाएंगे और उसकी रजिस्ट्रेशन कब होगी। तो वो मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है नोटिस, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। 21 अगस्त का ये नोटिस आया था। यहाँ पर देखिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी के और नेशनल लेवल टेस्ट जो होते हैं उसकी डेट है। तो हम फिलहाल DU की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, DU का एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जो रजिस्ट्रेशन है वो 2 मार्च से 31 मार्च 2020 में होंगे और आपका जो रिज़ल्ट है, सॉरी एग्ज़ाम है, वो 2 से लेकर 9 जून के बीच में होगा, ठीक है। 2 जून से लेकर 9 जून के बीच में, ये दोनों डेट भी इंक्लूड हैं, इनके बीच में एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही आएगा 30 अप्रैल 2020 को, ठीक है। 25 जून 2020 तक आपका जो रिज़ल्ट वगैरह है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करें तो ₹300 फ़ीस होगी SC ST PWD और EWS के लिए, और अनरिजर्व और OBC कैंडिडेट के लिए ₹750 फ़ीस है पर कोर्स। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, SOL, नॉन कॉलेज, DU रेगुलर, तीनों के लिए एक ही फॉर्म आपको फिल करना होता है, ठीक है। सिंगल फॉर्म आपको फिल करना होता है, उसी में आपका ऑप्शन आ जाता है नॉन कॉलेज का और SOL का, ठीक है। अलग अलग फॉर्म आपको नहीं फिल करना होता। लेकिन एक और चीज़ याद रखिएगा, DU रेगुलर जो कॉलेजेस होते हैं, मतलब DU रेगुलर में एडमिशन लेने के लिए आप एडमिशन लिस्ट के लिए DU रेगुलर की वेबसाइट खोलेंगे, DU की वेबसाइट खोलेंगे सॉरी, और SOL में एडमिशन लेने के लिए SOL की वेबसाइट खोलेंगे, और साथ ही साथ नॉन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए NCWEB की वेबसाइट खोलेंगे ऑफिशियल। जो यहाँ पर रिजल्ट हैं, पहले DU रेगुलर कॉलेजेस के एडमिशन लिस्ट आना स्टार्ट होती हैं, फिर SOL और नॉन कॉलेजेस की आना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। दोस्तों, टोटल यहाँ पर 502 सीटें हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको EWS का सेक्शन नहीं मिलेगा अभी, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, टोटल 502 सीटें हैं। 50% सीटें जो होती हैं वो अनरिजर्व, सॉरी मेरिट बेस्ड एडमिशन की होती हैं, और बाकी की 50% एंट्रेंस बेस्ड। दोस्तों, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेजेस से, ध्यान सुनिएगा, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेजेस से या फिर SOL से BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस किया होता है, वो लोग दोनों चीज़ों के लिए एलिजिबल होते हैं, मेरिट बेस के लिए भी और एंट्रेंस बेस के लिए भी। मेरिट बेस से मेरा मतलब है उनके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर, ठीक है। बाकी इसके अलावा जितने भी अदर कैंडिडेट हैं, फिर चाहे आपने ग्रेजुएशन DU से करी हो, जामिया से करी हो, इग्नू से करी हो, या भी किसी और रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से करी हो, तो आप एंट्रेंस बेस के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों, मैं अगर बात करूँ सबसे पहले मेरिट कैटेगरी की, तो उसके लिए जो ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बता दी। इसमें आपके मार्क्स होने चाहिए 60%, ठीक है, 60% मार्क्स या उससे ज़्यादा, ठीक है, मिनिमम 60% है। ये अनरिजर्व के लिए है। इसके अलावा OBC के लिए ये पे 10% तक की रिलैक्सेशन है, तो OBC के लिए 60% का 10% कम कर देंगे आप, ठीक है। तो जैसे अगर 60% का 10% हम निकालें तो 6 बनता है, तो 54 यहाँ पे OBC के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मार्क्स में वो रखी गई है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेरिट बेस की, सॉरी एंट्रेंस बेस की, ये एंट्रेंस बेस DU रेगुलर के साथ साथ देश की तमाम जो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी हैं वहाँ से अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आपने करी है, उनके लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास BA ऑनर्स, BA प्रोग्राम या BA पास की डिग्री है, तो उसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए जनरल वालों के लिए, और बाकी OBC के लिए इसमें 10% कम कर देंगे आप, 47.5 बनेगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई और अगर आपके पास डिग्री है इंजीनियरिंग की, साइंस की, ठीक है, या कॉमर्स की, तो उस केस में 60% मार्क्स आपके होना कंपलसरी है, और अगेन OBC के लिए आप कम कर दीजिएगा।
दोस्तों एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है इसका दिल्ली के अलावा भी देश की अलग अलग स्टेट्स में कंडक्ट होता है, जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता, जम्मू, जयपुर, हैदराबाद, त्रिवेंद्रपुरम, वाराणसी, रांची, तो अलग अलग स्टेट में एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, SC ST कैंडिडेट, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स के लिए जो मार्क्स की रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि जिस भी रिकग्नाइज बोर्ड से आपने ग्रेजुएशन करी है या फिर कर रहे हो, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो वहाँ पर होते हैं वही उनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कोई ऐसी स्पेसिफिक रिलैक्सेशन उनके लिए नहीं है, मतलब रिलैक्सेशन का नंबर उनके लिए नहीं है, खाली मिनिमम पासिंग मार्क्स होने चाहिए SC ST के लिए। बाकी OBC के लिए 10% जो मैंने आपको बताया, ठीक है, 60% में से 10% कम कर देगा तो आप 54 हो जाएंगे, और 50 में से करेंगे तो 45 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब इनके रिक्वायरमेंट है मार्क्स में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा डाउट होता है जो मैंने आपका क्लियर करा। अच्छा दोस्तों, कॉलेजेस देख लेते हैं, यहाँ पर कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं। यहाँ पर देखिए, दौलतराम कॉलेज, हिंदू कॉलेज, IP कॉलेज फॉर वुमेन, जानकी देवी, कालिंदी, करोरीमल, लक्ष्मीबाई, माता सुंदरी, रामजस, और SGDB खालसा, सत्यवती, शिवाजी, जाकिर हुसैन कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, इसके अलावा आत्माराम कॉलेज, और यहाँ पर देशबंधु, गार्जी, लेडी श्रीराम, कमला नेहरू, मातृ कॉलेज, मोतीलाल, और PGDAV कॉलेज। ठीक है, टोटल यहाँ पर 22 कॉलेजेस हैं, ये रेगुलर वाले हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। फॉर्म फिल करते वक्त इन कॉलेजेस का प्रेफरेंस ऑनलाइन आप सेट करेंगे। ठीक है, फॉर्म फिल करते टाइम फॉर्म दोस्तों बहुत ही केयरफुली आपको फिल करना है, क्योंकि करेक्शन की फैसिलिटी उसमें नहीं आती है। ठीक है, तो कई बार दोस्तों फॉर्म में गलती हो जाती है बच्चों से, तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा फॉर्म फिल करते टाइम अटमोस्ट केयर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर हम बात करें इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न से रिलेटेड, दोस्तों एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है इसका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड मोड में होता है, MCQ होते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहते हैं आपके, और सही आंसर के लिए 4 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, और अगर आपका आंसर गलत हो गया तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों मॉडल क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं NTA की वेबसाइट पर जाकर, जो कि 2019 में आए थे। ठीक है, फिलहाल ये नॉट फाउंड आ रहा है, तो मैं आपको 2016 का दे दूंगा PDF। ठीक है, PDF का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी, 2019 की जो फर्स्ट कट ऑफ आई थी वो कितनी गई थी, हाईएस्ट और लोएस्ट, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो ये दोस्तों एंट्रेंस बेस वाली लिस्ट है, मेरिट की अलग लिस्ट आती है, यानी कि मेरिट बेस एडमिशन की अलग आती है और एंट्रेंस बेस की अलग आती है। तो जो एंट्रेंस बेस की फर्स्ट लिस्ट आई थी उसमें जो फाइनल एंट्रेंस मार्क्स थे 291 थे। ठीक है, 396 में थे, 396 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि एक दो क्वेश्चन हटा दिए जाते हैं, तो 400 में से 396 हो गया उसको। ठीक है, इसलिए तो 291 के मार्क्स थे, हाईएस्ट अनरिजर्व कैटेगरी में इनका एडमिशन हुआ था, फर्स्ट प्रेफरेंस का इनको कॉलेज मिला था। ठीक है, कंबाइंड रैंक इनकी 1 थी। और वहीं अगर अनरिजर्व कैटेगरी में हम फाइनल एडमिशन देखें एंट्रेंस बेस की कैटेगरी में, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इनके मार्क्स थे 180। ठीक है, 66 इनकी रैंक थी, इनका एडमिशन हुआ था अनरिजर्व की कैटेगरी में। वहीं OBC दोस्तों यहाँ पर 127वां कैंडिडेट भी है, इनके 180 मार्क्स हैं अनरिजर्व की कैटेगरी में। वहीं अगर हम OBC की बात करें तो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी 247, और OBC के अंदर लोएस्ट कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो जो लोएस्ट कट ऑफ थी उसके मार्क्स थे, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, लोएस्ट कट ऑफ वाले के मार्क्स थे 145। इसी तरीके से शेड्यूल कास्ट में हाईएस्ट थे 218, और आप लोएस्ट देख सकते हैं। ठीक है, इस PDF का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, और एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जहाँ पर जाकर आप अलग अलग कट ऑफ देख सकते हैं 2019 की, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप सुनिए, अब आपको बोरिंग लगेगा ये चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों क्या होता है, जब पहली एडमिशन लिस्ट आती है उसमें जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिल जाता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट का नहीं मिल पाता। जैसे कि मैंने आपको बताया था 22 कॉलेजेस हैं, तो आप कॉलेजेस का प्रेफरेंस सेट करेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपना हायर प्रायोरिटी का कॉलेज नहीं मिल पाता। उस केस में दोस्तों क्या होता है, जिस भी एडमिशन लिस्ट में आपका नाम आया होता है, अगर आपने उस पर्टिकुलर लिस्ट में एडमिशन नहीं लिया तो आगे आने वाली लिस्ट में आपको एडमिशन नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि जब एडमिशन लिस्ट में नाम आता है तो आप ऑनलाइन करेंगे,
जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया था, अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके अप्लाई नाउ पे क्लिक करके एक फॉर्म जनरेट होगा, उसका प्रिंट आउट आप लेकर रख लेंगे। उसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट जो भी होगा और कहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है एडमिशन के लिए, वो भी लिखा हुआ होगा। और डॉक्यूमेंट जो चाहिए, जैसे आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, 10th 12th की मार्कशीट हो गई, फोटोग्राफ हो गया, तो ये सब जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि मांगे जाते हैं। कोई ऐसा स्पेसिफिक अलग से डॉक्यूमेंट नहीं आता, ठीक है। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जब आप जाएंगे अपने कॉलेज में, तो वहाँ पर वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद आपको घर आ जाना है। पेमेंट आपको ऑफलाइन नहीं करनी, ऑनलाइन ही करनी है एडमिशन फ़ीस। घर आ जाना है आपको और वेट करना है अप्रूवल का। घर आने के बाद नेक्स्ट डे तक का आपके पास टाइम होता है ऑनलाइन एडमिशन फ़ीस का। जब एडमिशन लिस्ट का शेड्यूल आता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि पहली एडमिशन लिस्ट इस डेट को आएगी और उसके लिए एडमिशन इस डेट से इस डेट तक चलेंगे, ठीक है। तो वो भी आप चीज़ देख लीजिएगा आराम से वेबसाइट पर जब रिलीज़ होगी। तो घर आएंगे आप, ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे नेक्स्ट डे तक। अप्रूवल होने के बाद ही लॉगिन डैशबोर्ड में ही आपके ऑनलाइन पेमेंट का लिंक खुल जाएगा, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, पेमेंट करने के बाद एक ऑप्शन आता है ऑप्ट आउट ऑफ रीअलोकेशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप उस बटन पे क्लिक कर देंगे तो आगे आने वाली लिस्ट में आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, और उस बटन पर अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो हो सकता है आगे आने वाली लिस्ट में आपको हायर प्रायोरिटी का कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया एडमिशन प्रोसेस में, लिस्ट में आने नाम आने के बाद आप उस कॉलेज में गए ही नहीं, ना तो आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया और ना पेमेंट करी, तो आगे आने वाली लिस्ट में आपको नाम नहीं आता। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये चीज़ चेंज हो जाए, लेकिन जनरली यही प्रोसीजर रहता है। और आखिर में दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए जो होते हैं, और जो सिलेबस होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जो सिलेबस होता है ग्रेजुएशन का, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का, वही सिलेबस आपका, उसी उसी सिलेबस में से एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उसी सिलेबस को आपको प्रिपेयर करना होगा। सिलेबस का डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप सिलेबस जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही था एमए पॉलिटिकल साइंस एडमिशन प्रोसेस दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।